नमस्कार दोस्तों, मैं KLS कन्हैया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। कोई भी आप एग्जाम एक्सपायर वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है और आपका यहाँ से क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। आप वीडियो को एक से दो बार आप देख लीजिए, दो बार तो देख लीजिएगा और पहले अच्छे से समझिए। नोट्स बनाना चाहे तो नोट बना सकते हैं और आप लोग सभी लोग अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में, तो शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, तो देखिएगा चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक। तो देखिएगा पूछा जाता क्वेश्चन, चतुर्थी व्यक्ति किस कारक में संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कौन सी व्यक्ति का विधान है? चतुर्थी व्यक्ति। किस सूत्र से है? तो कर्मणा यमवही प्रयुक्त सा संप्रदान, ठीक इस सूत्र से विधान हुआ है। जैसे कर्ता कुछ देता है, अब ध्यान से देखना, यह सूत्र सीधा कहता है कर्मणा माने जो कर्म करने वाला है, कौन? कर्ता। यमवही जिसके द्वारा, प्रीत जो प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, स संप्रदान वह है संप्रदान। जिसे कर्ता कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, देखो जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, ये कर्मणा यमवही प्रेत में छिपा हुआ। मान लीजिएगा आप राम हैं और मैं श्याम हूं, आपके लिए मैं क्या करना चाह रहा हूं? कुछ करना चाह रहा हूं, देना चाह रहा हूं। कुछ करता कुछ देता है वह संप्रदान है, वह संप्रदान कहलाता है। अब इसमें नोट में हमने यहां पर दिखा लिखा है पॉइंट पर कि जिसे कुछ दिया जाए परंतु वापस न लिया जाए, जैसे दान। विशेषकर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर याद रखना है तो विशेषकर याद रखना, दा धातु जहां भी आएगी वहां आपका संप्रदान कारक होगा, ठीक। ददति दत्ता ददंती, ठीक है, या ददति दत्ता ददति, ऐसे बनता, ददंती नहीं बनता है, ठीक है। तभी ददति जो है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में, सॉरी प्रथम पुरुष बहुवचन मात्र लट लकार में, यहां हमेशा ददति दत्ता ददति। इस प्रकार से आप जिसे कुछ दिया जाए परंतु वापस न लिया जाए उसमें क्या होगी? चतुर्थी व्यक्ति होगी, संप्रदान कारक होगा। तो सूत्र उसके बाद यह सूत्र कहता है, यह क्या करता है? संप्रदान संज्ञा हो गई, चतुर्थी संप्रदान। यह कहता है संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। बस ये दो जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब एक, अब संप्रदान किसे कहेंगे, इसकी व्युत्पत्ति भी देख लीजिएगा। संप्रदान संस्कृत, इसकी बना कैसे संप्रदान शब्द, यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, इसको लिख लेना, क्वेश्चन बन सकता है क्या? सम्यक सम्यक प्रदीयते, सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम्, संप्रदानम्, ठीक है। तो कहा कि सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम्, कि जिसे कुछ दिया जाए और वापस न लिया जाए उसमें क्या होगी? संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति होगी, ठीक। नोट कर लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए संप्रदान कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोग उदाहरण को लेकर चर्चा करेंगे। तीसरा सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। दो समझ गए कि चतुर्थी व्यक्ति होती कहाँ होती है, जिसे कुछ लिया जाए दिया जाए इत्यादि चीजें। अब ये सूत्र आता है रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, रुचि अच्छा लगना। रुचि क्या है? धातु है। किसमें आती? अच्छा लगना या पसंद आना, कोई चीज मुझे अच्छी लगी, पसंद आ गई। तथा इसी अर्थ में अन्य धातुएं भी हों, कहा कि रुचि अच्छे लगने में भी और भी धातुएं हों के प्रयोग में प्रसन्न या पसंद की बात कही जाए तो उसमें भी संप्रदान कारक होगा, चतुर्थी व्यक्ति हो, ठीक है। जैसे समझिएगा, जैसे एक मिनट, पिछली चर्चा यहाँ पर कर रहा था, यहाँ उदाहरण देने की जगह नहीं रही। चलिए मैं इसको, आप ध्यान दीजिएगा ये चीज़ जो है, इसको आप उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पर छोटे में कुछ उदाहरण दे देता हूँ, जिसको वापस न ली जाए या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे राजा ब्राह्मणाय, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति,
राजा ब्राह्मण को गाय देता है, करता कौन? राजा किसको दे रहा? कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है, किसके लिए कर रहा? ब्राह्मण के लिए। ठीक है, क्या दे रहा? गाय दे रहा। तो जिसके लिए करे, जिसको और जिसको कुछ दे, तो किसको दे रहा? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण शब्द में क्या हो जाएगी? चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी और संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, ये पहला उदाहरण। यहां पर उदाहरण को दे देते हैं, दो तीन उदाहरण। ओके, जैसे माता बालकाय, माता बालकाय फलम ददाति। देखो, दा धातु आ रही है, ठीक है, दा धातु का मैंने बताया था, दा धातु आएगी तो वहां क्या होगी? चतुर्थी व्यक्ति। माता बालक के लिए फल देती है, तो किसके दे रही है? माता किसको चाह रही है देना? फल किसको दे रही है? बालक को। तो बालक शब्द में क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। क्लियर, समझ गए? ब्राह्मण आए, देखो ब्राह्मण आए, भूमिम ददाति, ददाति। ठीक, ब्राह्मण को भूमि दे रहे हैं, यानी कि पृथ्वी दे रहे हैं, धरती दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण में क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। इस सूत्र से क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी व्यक्ति चतुर्थी संप्रदान इस सूत्र से चतुर्थी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर। एक उदाहरण यहां पर भी लिख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको उदाहरण फायदा रहेंगे। उपाध्याय, उपाध्याय याय गाम ददाति। ठीक है, नोट कर लो सभी लोग फटाफट। उपाध्याय को गाय देता है, तो किसको दे रहा है? उपाध्याय को। तो उपाध्याय में क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। क्लियर, तो कहाँ कहाँ हुई आपकी चतुर्थी? तो आप देख पा रहे होंगे, ब्राह्मण शब्द में चतुर्थी हो गई, बालकाय में चतुर्थी हो गई, ब्राह्मणाय में हो गई, उपाध्याय में हो गई। किस सूत्र से? कर्मणा यमवई परिशा संप्रदारम से, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति होगी। क्लियर सभी को? आगे बढ़े, चलिए इसे हटा दिया जाए। आगे यहां पर आइए, यहां पर चर्चा कर रहे थे रुचि लगने। अगला सूत्र जो रुचि अर्थानम प्रियमाणा, ये कह रहा थी रुचि अच्छा लगना, पसंद आना। मान ली आप एक शॉप पर गए, आपको पसंद आ गई, एक टी शर्ट आ गई या कोई शर्ट आ गई या पेंट आ गया समझ में, कि मुझे ये तो बहुत अच्छा लगता है, यही कलर पसंद है मुझे, कैसा भी मुझे यही पहनना, तो आपको येलो कलर, रेड या कुछ भी ब्लू वगैरह ग्रीन जैसा ही पसंद है, वो आप कहते हो मुझे तो यही पसंद है, ये निकाल दो, बात खत्म। तो रुचि जिसमें हो, ऐसी अन्य भी धातुएं हों रुचि अर्थ में, पसंद करने प्रसन्न अर्थ में, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर बात करें, तो कहा कि आपको हो सकता है लड्डू अच्छे लगते हो सकता है टिक्की अच्छी लगती हो सकता है आपको पानी की पानी पूरी अच्छी लगती हो, है ना? तो जैसे आपका सुरेश आए, एक उदाहरण ले लेता हूँ, सुरेश आए दुग्धम रोचते, तो जिसको अच्छे लगेंगे उसी शब्द में क्या होगी? चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, तो सुरेश को क्या होता है? दूध अच्छा लगता है, कहा कि मुझे दूध देते रहो, मैं पीता रहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सुरेश शब्द में क्या हो गई? चतुर्थी हो गई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल को लेकर बात करेंगे। मह्यम मोदकम रोचते, ठीक है, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो किसको अच्छे लग रहे हैं? मुझे क्या लग रहे हैं? मोदक। और क्यों लग रहे हैं? तो रुचि धातु रुचि, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो यहां पर मह्यम में क्या हो जाएगी? अस्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन का मह्यम। ठीक है, तो यहाँ चतुर्थी एक वचन हो गया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण बहुत ही शानदार। ठीक है, हरे हरे भक्ति रोचते, मुझे तो हरि को भक्ति अच्छी लगती है, अगर भक्ति करने वाला ना हो तो हरि कहाँ जाए पता नहीं। तो क्या कहा? हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ठीक है, तो आप प्रसन्न करते रहो भोले बाबा को, नौकरी मिल जाएगी पक्का। ठीक, हाँ,
तो हरे में क्या होगी, भक्ति करिए हरि की तो जरूर फल प्राप्त, आशीर्वाद दे देंगे, कहेंगे तथा अस्तु ऐसा ही हो जो मांगो। ठीक, हाँ ठीक है। चलिए अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं। मह्यम, देखो फिर मैं उसी को ले रहा हूँ, मह्यम ये सभी को पसंद है, मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं ये खाता ना हो। ओदनम रोचते, मुझे तो भात अच्छा लगता है, रियल में है ना, मुझे तो भात अच्छा लगता है, क्या बात है, बस एक बार मिल जाए जान में जान आ जाती है। तो यहाँ क्या होगा, मुझ में, मुझे लगता है तो मुझ में क्या हो जाएगी, चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हरे में हो जाएगी, किस सूत्र से, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा से। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, यहाँ सुरेशम क्या हो जाएगी, चतुर्थी हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला सूत्र है, ओहो क्या बात है, बहुत सुंदर, क्रोध द्रोही ईर्ष्या असूय, इन धातुओं के अर्थ में यम प्रति, इनके प्रति कोपा माने क्रोध हो तो इनमें क्या होगा, इन धातुओं में, इन्हीं अर्थ की अन्य धातुओं में भी चतुर्थी व्यक्ति होगी। तो वही यहां पर कह दिया गया है कि क्रोध धातु है क्रोध करने में, द्रोही धातु है द्रोह करने में, विद्रोह करते हो ना घर में लड़ाई, ईर्ष धातु है ईर्ष्या करने में, असूय धातु है जलन करने में। ठीक है, किसमें, जलन करने में, इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं, इन धातुओं या इन्हीं अर्थ की अन्य धातुओं में भी क्या होगा, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति जलन की जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, जिसके प्रति द्रोह की जाए, उसी शब्द में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हो जाएगा। तो चार उदाहरण आपके बनेंगे, चलिए देख लेते हैं। पहला ले लेते हैं क्रोध वाला। अच्छा, आप लोगों को क्रोध आता होगा है ना, तब क्या करते हो, कोई तो मोबाइल फोड़ता है, कोई तो पेन तोड़ने में लगा रहता है, कोई तो किसी को कूट ही देता है, चलो कोई तो थोड़ी आंखें लाल पीली करता है, कोई शांत रहता है। क्रोध ये संवेग है, ठीक है, कोई अपने ऊपर मत लेना, मैं खुद अपने ऊपर बोल रहा हूँ। तो पहला उदाहरण है, पिता पुत्राय क्रोध्यति, क्रोध धातु है क्रोध अर्थ में, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। भाई यही तो कहा था, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, तो पिता किस पर कर रहा, पुत्र पर, तो पुत्र शब्द में क्या हो गई, चतुर्थी हो जाएगी। क्लियर, सेकंड ले लेते हैं, द्रुई धातु, तो सेकंड है दुष्टा सज्जनाय द्रोहयन्ति, क्या होगा, द्रोहयन्ति। ठीक है, जो दुष्ट हैं वो सज्जन पर क्या करते, द्रोह करते। मान लीजिएगा सज्जन व्यक्ति सीधा साधा बेचा है, ये भी क्या कर रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, और पीछे जो है ये महाशय क्या करते हैं, चलो हम तो मारेंगे, ठीक है, हंस रहे हैं, ये क्या करेगा, तो इन्होंने क्या किया, पकड़ के फेंक के एक इनको पीछे मार दिया। ठीक है, कहा कि लो आओ, जबरदस्ती द्रोह कर रहे हैं, ठीक है, तो जबरदस्ती द्रोह कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचे रहे, तो द्रोही अर्थ में क्या हो जाएगी, सज्जन पर द्रोह कर रहे हैं, तो सज्जन में भाई किस पर द्रोह हो रहा, सज्जन पर, तो सज्जन में चतुर्थी हो जाएगी। अगला है ईर्ष्या अर्थ में, तो कौन नहीं ईर्ष्या करता है, मुझे लगता है, चलिए कंसा, कंसा कृष्णाय ईर्ष्यति, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है, तो ये तो सभी जानते हैं, कंस महाराज कृष्ण से ईर्ष्या करते ही हैं, है ना, हाँ, तो इसलिए यहां पर सीधा सा हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पर एग्जाम्पल को, असूय, असूय माने जलन, ये भी करते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं,
दैत्या, दैत्या, देवेभ्या, दैत्या देवेभ्या असूयन्ति, जो दैत्य हैं, जो दानव हैं, जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, वो देवों पर क्या करते हैं, देवों से जलन करते हैं। ये कहाँ स्वर्ग लोक में रहते हैं, हम तो यहाँ पड़े रहते हैं, ये इस क्या करते हैं, जलन करते रहते हैं हमेशा। तो किस पर कर रहे हैं, देवों पर। तो देव में क्या हो जाए, देवेभ्यः, बहुवचन है देवेभ्यः, ठीक है। तो यहाँ भी चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी, यहाँ भी चतुर्थी। ये चारों उदाहरण आपके समझ में आ गए कि नहीं आ गए, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गए ना। इसी प्रकार से अगर अन्य उदाहरण को आप लें, जैसे एक फेमस उदाहरण है, रावण था, तो रावड़ा रामा है, रावण पर राम क्या करते थे, जलन करते थे, असूयन्ति, ठीक है। तो ये भी आपका उदाहरण है, ठीक है, समझ में आ गए, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सूत्र स्पृहरीप्सिता का स्प्री धातु है, चाहने अर्थ में, जैसे बे इंतहा मोहब्बत है कि हम इसे बहुत चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, जान से ज्यादा चाहते हैं, है ना। तो चाहना धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह हो, इच्छा हो, अभीप्सा होती है, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे तो और कौन सी धातु, केवल स्प्री धातु के योग में बस, और चाहने अर्थ में अन्य भी धातु में कोई भी आए। तो जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, आप अब तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पुरुषेभ्य सह पुरुषेभ्य स्प्रीहति, स्प्रीहति, ठीक है। ये हो गया पहला उदाहरण, इसके एक दो और देख लेते हैं। रमा पुष्पेभ्य, रमा पुष्पेभ्य स्पृहति, ठीक है, स्पृहति, हाँ बना है ना, और को समझ लो, ठीक है। इसी प्रकार से बालिका, बालिका बालकेभ्य स्पृहति, ठीक है। इसी प्रकार से वालिका फलेभ्य स्पृहति, तो क्या अर्थ निकलेगा कि अब देखिएगा, समझिए। वह पुरुषों को चाहती है, अब वह स्त्री लेंगे, वह पुरुषों को चाहती है, तो किसको चाह रही है, पुरुष को, तो पुरुष शब्द में क्या हो जाएगी, पुरुषों को, बहुवचन पुरुषेभ्य हो जाएगा। रमा पुष्पेभ्य स्पृहति, रमा जो पुष्पों को चाहती है, तो पुष्प शब्द में क्या हो जाएगी, पुष्पेभ्य हो जाएगी। बालिका बालकेभ्य स्पृहति, बालिका लड़की लड़कों को चाहती है, तो बालकेभ्य हो जाएगा, क्लियर है। बालिका फलेभ्य स्पृहति, बालिका लड़की फलों को चाहती है, तो फलेभ्य हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी, स्प्री धातु के योग में, तो यहां पर क्या होगा, ये संप्रदान संज्ञा हो गई, चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी, क्लियर है, ओके डन। चलिए एट लास्ट आपका सूत्र बचा हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये तो आपको एकदम रटा रटाया है, फिर भी मैंने अलग अलग तरीके से किया है। नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति का विधान होता है। तो सबसे पहले नमा के योग में देख लेते हैं, नमा माने नमस्कार, तो नमा शिवाय, सीधा सा उदाहरण, नमा शिवाय, गणेशाय नमः, ठीक है, हो गया। दूसरा है स्वस्ति, स्वस्ति माने होता कल्याण, कल्याण होना, ठीक है। तो स्वस्ति क्या क्या होगा, इन चीजों को भी विशेषकर ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो भयम् स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक, ये भी हो गया। दूसरा आपका स्वाहा, क्या है स्वाहा, तो आप जानते ही हो किसमें स्वाहा हो जाता है, ठीक है, तो किसमें स्वाहा हो जाता है,
अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा, ठीक हो गया। अगर अन्य उदाहरण भी देखें तो यहां देखो, इंद्राय स्वाहा, इसका भी दूसरा अगर तुभ्यम स्वस्ति लिखा है तो इसमें लिख दीजिए वालकाय स्वाहा, बस वालकाय स्वस्ति, सबको स्वाहा मत करो, ठीक है। तो ये दो दो उदाहरण यहां पर देख रहे हो। उसके बाद स्वधा की बात करें, स्वधा, स्वधा मीन्स जो होता है वो होता है कि जो आप लोग श्राद्ध डालते हो पितृतर्पण, ठीक है, स्वधा तर्पण करना, बलि देना, ये मान लीजिएगा इस तरीके से। तो कहा कि पितृभ्या स्वधा, पितरों को तर्पण करना, जो हमारे पूर्वज देहांत हो गया उनको हर साल करते हो ना, श्रावण के बाद श्राद्ध आता है ना, हाँ कनकते आते हैं। चलिए उसके बाद कहा कि अलम, अलम शब्द के होगा पर्याप्त है, बस इतना ही, अलम मीन्स पर्याप्त, इतना ही रखिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कहा कि दैतेभ्या, दैतेभ्या हरि अलम, ठीक है, दैत्यों के लिए हरी पर्याप्त है, ज्यादा जरूरत नहीं है किसी की। ओके, तो इन शब्दों के योग में क्या हो रही है, चतुर्थी हो रही है। कहाँ कहाँ हो रही है बता रहे, बसट, बसट माने क्या होता है, आलस फैलाना या निंदा करना, ठीक है। तो बालकाय बसट, बालक निंदा करता है, आलस फैलाता है, ठीक है। तो इन शब्दों के योग में क्या हो गई, चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी, क्लियर। किस किस में चतुर्थी हुई तो आपको मैं यहां पर एक बार कर देता हूं, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नमा के योग में शिवाय शब्द में, स्वस्थ के योग में तुभ्यम में, स्वा के योग में अग्ने में, सुदा के योग में पितृव्या में, हरि के योग में वो सॉरी अलम के योग में दैतेव्या, और बसर के योग में बालकाय। तो ये आपकी चतुर्थी विभक्ति जो थी, या कह सकते हैं कि शम प्रदान कारक जो था वह समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अगले टॉपिक को लेकर, तो उस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखिएगा। अच्छा पीछे से एक बार देख लीजिएगा, तो यहाँ से, हाँ रुच्यर्थ नाम, यहाँ से देख लीजिए एक बार, ठीक है। आपने कर्मणा यम विप्रैस संप्रदानम पढ़ा, इन चीज़ों को आपने देखा, जिसको जो कुछ दिया जाता है और कुछ कर किया जाता है उसी में चतुर्थी होती है। तो आपने उदाहरण को देखा, और चतुर्थी संप्रदाय से चतुर्थी व्यक्ति सभी में होगी, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुच्यर्थानाम, कहा कि अच्छा लगना, चाहना कि मुझे ये चीज़ बेहद पसंद है, बेहद पसंद है, और मुझे कुछ नहीं। मान लीजिए आपको रसगुल्ले पसंद है, आपको काजू कतली पसंद है, आपको वो व्हाइट वाले रसगुल्ले पसंद है, आपको क्या बोलते हो उसे, रस मलाई पसंद है, लेकिन ये सब किसी को नहीं पसंद है, मुझे लगता है ऐसा। आपको सिर्फ सिर्फ क्या है, पानी पूरी पसंद है, बर्गर पसंद होगा, आपको टिक्की पसंद है, आपको क्या बोलते हैं फिंगर पसंद है, चाउमीन पसंद है, और मोमोज पसंद है ना। मैं सत्य कहता हूँ, इन शब्दों के योग से क्या होगी, चतुर्थी हो जाएगी, ठीक। याद रख के सूत्र से, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, आगे बढ़ते हैं। क्रोध द्रोही ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रतिकोपा, इन शब्दों के योग में कहा कि कोप जिससे किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिसको जलन की जाए, उसी शब्द में चतुर्थी होगी। तो हमने ये सारी चीजें बताई, पुत्र से क्रोध किया, सज्जन से द्रोह किया, और कृष्ण से ईर्ष्या की, और देवों से जलन हुई। तो इस प्रकार से इनमें सभी में क्या हो गई, चतुर्थी हो गई। इस सूत्र को अगर याद रखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है, डन, आगे बढ़े। चलिए अगले पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं, सूत्र स्प्रे रीप्सिता। ये कहा कि आपको जो पसंद है, चाहना है कि मैं दिल जान से चाहता हूं, बेतहा मोहब्बत करता हूं, तो किससे, वह पुरुषों को चाहती, वह फूलों को चाहती है, वह पुष्पों को चाहती है, वह लड़कों को चाहती है, या मान लीजिएगा सीतायाई, सीतायाई
रामा स्पृहति, सीता राम को चाहती है, ठीक है, तो ये भी उदाहरण हो जाएगा, समझ गए। तो स्प्री धातु के योग में चाहने अर्थ में क्या हो जाएगी, चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपका है नमा, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, आलम और वसत, इन शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है, जैसा कि आप लोग इसमें देख चुके हैं। तो आज क्योंकि हम एक एक वीडियो इसलिए बना रहा हूं आपके दिमाग में बस जाए बस जाए, बस 2-3 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला ही कारक को लेकर बात करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।